ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 12 नवंबर 2023 रविवार का दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इस दिन दीपावली का महापर्व रहेगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। स्वाति नामक नक्षत्र होगा तथा तुला राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में होंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि तुला राशि में, वहीं चंद्रमा भी तुला राशि में, मंगल ग्रह तुला राशि में, बुध ग्रह वृश्चिक राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मेष राशि में, शुक्र ग्रह कन्या राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक एवं मकर, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में इनको उन्नति और प्रगति के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के साथ साथ नया काम, नई जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। इसके अलावा जो भी कार्य इनके द्वारा किया जाएगा उसमें भी आगे चल करके इनको अधिक से अधिक फायदा ही होगा। सूर्योदय सुबह 6:34 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 5:34 पर होगा और चंद्रोदय 5:43 देर रात में होगा एवं चंद्रमा का अस्त 5:02 शाम को होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो रविवार का दिन है और शुभ दीपावली का महापर्व है। तो शुभ मुहूर्त यदि हम देखें तो रविवार के दिन सबसे पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कि चर का चौगड़िया 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद 1:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा शाम के समय यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक शुभ एवं अमृत का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। इस प्रकार आप यदि इस समय कोई भी शुभ काम करते हैं, मंगल कार्य करते हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदे का संयोग बन सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आप सबकी मदद करेंगे, भावुक हो सकते हैं, आनंद मनोरंजन के कुछ अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। अपना व्यवहार लचीला रखें, अपना पसंदीदा काम निपटाने की आप योजना बना सकते हैं। दूसरों की मदद से किसी काम से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद होगा, संतोषजनक रहेगा। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे अच्छी प्रकार से पढ़ ले। बिगड़े काम सुधारने में किसी की मदद करेंगे। काम धंधे नौकरी और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा। काम में मन लगेगा, उत्साह भी आपका बढ़ेगा। उपाय के रूप में भोजन के बाद सौंफ या फिर इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। परिवार का कोई भी यदि तनाव चल रहा है तो वह समाप्त हो जाएगा। दिन की शुरुआत अच्छे कार्यों से होगी। अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आपकी खूब निभेगी और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। तन मन और माहौल में कुछ दिनों से चली आ रही सुस्ती भी समाप्त होगी। ऑफिस कार्यक्षेत्र में कोई स्थिति आपकी रूटीन लाइफ को बदल सकती है। सामाजिक तौर पर आप काफ़ी सक्रिय रहेंगे। लोगों से मुलाकात और प्रसन्नता होगी। आपकी मदद या प्रेरणा से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी।
रहेगी। जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारीकी से ध्यान देंगे। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है, अधूरे काम समय पर निपट जाएंगे। जीवन के प्रति नजरिया आपका बदला हो रहेगा। कोई प्रेम प्रसंग या नया काम आपका शुरू हो सकता है। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कंफ्यूजन और गलतफहमी की स्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आ जा सकते हैं। आपके चिंतन की दिशा सकारात्मक रहेगी। आज आप पूरी तरह व्यावहारिक और संतुलित रहने की कोशिश करेंगे। इसका असर आपके नजदीकी लोगों पर पड़ेगा। व्यवसाय के मामलों में सफलता मिलेगी। कोई पुराना कर्जा यदि चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। आज आप संतुष्टि महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। आपका व्यवहार पार्टनर को परेशान या दुखी कर सकता है। व्यापारिक जवाबदारी और प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप कोई भी लाल रंग का फल देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आप अपने मन की बातें किसी को पता नहीं चलने देंगे। राज की बात उजागर नहीं करेंगे। पैसों से जुड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है या किसी मामले में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। धैर्य रखें, अपनी बात और बातचीत के तरीकों पर नियंत्रण रखें। इससे आपको ही फायदा होगा। जो भी बोले सोच समझ करके बोले। अपनी इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फायदा भी होगा। आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं। आपके मन में खुद को लेकर के फालतू का डर या संशय उत्पन्न हो सकता है। छुटपुट समस्याएं जरूर है लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे। उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा के मंदिर में कोई भी पुष्प चढ़ाएंगे, लाल फूल या पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो भी काम सामने आए उसे निपटाते चले आए। दूसरों से बेधड़क मदद मांग ले। आप अपनी क्षमता दिखाने का मौका न चुके। अपनी रचनात्मक योग्यताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे। कोई दोस्त आपको परेशानी के वक्त मदद कर सकता है। परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। प्रेमी या जीवन साथी को समय देंगे। धैर्य से खुद पर कंट्रोल करेंगे। सफलता आपको मिलेगी। अचानक कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है और मानसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा। कुछ कार्यों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उपाय के रूप में एक धूप बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। दूसरों के साथ तालमेल बनाकर आप चलेंगे जिससे नौकरी में आपको फायदा होगा। आप थोड़ा स्वतंत्र और खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। ऑफिस का कोई विवाद निपटाने की कोशिश आप कर सकते हैं। कर्क क्षेत्र पर आपको परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। नकारात्मक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा समय है। आपका ध्यान घर परिवार पर बना रहेगा। परिवार के कुछ मामले सुलझाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। कोई भी फैसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलाह मशवरा अवश्य करें। आपके विचारों में मजबूती आएगी। अपने मन की हर बात कहने के प्रति आप उत्सुक रहेंगे। आज आपको धीमी और साफ बात करना अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आज आप किसी अच्छी खबर की जरूरत महसूस करेंगे। इस सिलसिले में एक आपको जो है संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा। और कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। किसी विवाद को सुलझाने में आपकी दक्षता का प्रयोग किया जाएगा। आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा। खुद पर नियंत्रण रखेंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे। पैसों का कोई मामला यदि चल रहा है तो वह सुलझ जाएगा। जो आज आप बात करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करें। अपनी सेहत पर ध्यान दें। हर जरूरी बात अपने पार्टनर से आप शेयर करें। टेंशन आपकी समाप्त हो जाएगी। नए नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं। किसी काम की जिद करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। इच्छा न होते हुए भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा। लोगों की सलाह या बातों के कारण आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। ऑफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलझने का पूरा मन भी बना सकते हैं और साथ के लोगों से बात करने का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
आपका स्वभाव हंसमुख रहेगा और आप कई समस्याओं का समाधान हंसी मजाक में ही निपटा लेंगे। पार्टनर को समय दे। ऑफिस में काम करते समय आपका ध्यान पार्टनर पर बना रहेगा। पैसों की स्थिति पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। आज आपने जो सोच रखा है वो हो जाएगा। मानसिक शांति रहेगी। मेहनत कम है, परिणाम आपका दिल खुश कर देगा। व्यापार अच्छा चलेगा। जीवन साथी की सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। दूर स्थान से करियर संबंधित समाचार आपको मिलेगा जो आपको खुश कर देगा। साथ काम करने वाले लोग आपके लिए लकी साबित होंगे। कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत होगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बातचीत करने का कोई नया तरीका आप निकाल लेंगे और आर्थिक लाभ का रास्ता भी आपका बन जाएगा। जो चल रहा है उसे चलने दे। आपका कोई बड़ा फायदा होने वाला है। आपका ध्यान पैसों के हिसाब किताब पर बना रहेगा। निवेश के अवसर मिलेंगे। आपसी विचार विमर्श और सहयोग से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में यदि आप कच्चा दूध शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जो लोग आपका विरोध करने की कोशिश करेंगे वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएंगे। इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का अवसर मिल पाएगा। आप बहुत से काम निपटाना चाहेंगे। मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी। आपको कोई ऐसा काम या नौकरी मिल सकती है जो मानसिक तौर पर आपको व्यस्त रखेगी। दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अनबन हो सकती है और उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा मौका मिलेगा। पैसों के मामलों में आपको कोई कारगर सलाह भी मिल सकती है और कोई दस्तावेज यदि आपके उलझे हुए तो वो भी सुलझ जाएंगे। सोच समझ कर किए गए कामों से आपको भरपूर फायदा होगा। उपाय के रूप में गाय को यदि आप रोटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कोई राज की बात आपको पता चल सकती है और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन्न होंगे जो आपको फायदा देंगे। अपने मन की बात पर भरोसा रखें। सकारात्मक सोच रखें। आज पूरी व्यवहारिकता और समझदारी से अपना काम करें। अपनी वाणी और हाव भाव पर नियंत्रण रखें। उदार और संतुलित रहे। तनाव के मौकों को हंसी मजाक में टाल दे। समय 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। उधार पैसा आप चुका सकते हैं और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी। उपाय के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कोई खास बात आपको पता चल जाएगी। व्यवसाय या नौकरी के कुछ कामों में आप भाग्यशाली साबित होंगे। कुछ दोस्तों और परिचितों से आप चर्चा करेंगे। आगे चल करके आपको ही फायदा होगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी, मुलाकात होगी, उनसे आपको फायदा होगा। कोई काम आपने पिछले दिनों शुरू किया है उसके भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उपाय के रूप में तांबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।